हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं को सीखते समय यह देखे थे कि अक्षांश रेखाओं का प्रयोग विश्व में कटिबंध या ताप कटिबंध या दाब कटिबंध के संदर्भ में किया जाता है, लेकिन देशांतर रेखाओं का प्रयोग पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर समय निर्धारण के लिए किया जाता है। और कैसे इसे समय निर्धारण किया जाता है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। हमारी पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर जहाँ पर सूर्य 90 डिग्री का कोण बनाएगा उसको अधः सौर बिंदु कहते हैं, और यह अधः सौर बिंदु 24 घंटे में पृथ्वी का पूरा एक घूर्णन कर फिर वहीं पर आ जाएगा 24 आवर्स। तो 24 घंटे में कितना डिग्री घूमा, 360 डिग्री। तो 24 घंटे में यदि 360 डिग्री अपने चारों तरफ घूम रहा है तो एक घंटे में 15 डिग्री, और एक घंटे में 60 मिनट होता है यानी 60 मिनट में वो घूमेगा 15 डिग्री, और इसका चौथाई किया जाए 4 मिनट टाइम में वो घूमेगा 1 डिग्री, अर्थात पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है, अर्थात हम अगर पूरब से पश्चिम जाएं तो हर 111 किलोमीटर की दूरी पर घड़ी में 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होगा, और इस तरह से 1 मिनट में या 15 मिनट, ये 1 मिनट टाइम का है, ये 15 मिनट अक्षांश या देशांतर का, यहाँ पर देशांतर का है, और 28 किलोमीटर, अर्थात यदि हम पृथ्वी के एक स्थान से 28 किलोमीटर की दूरी पर जाएं तो जिस प्लेस पर सूर्य लंबवत है या दोपहर का 12 बजे है उससे पीछे जाने पर आपका 1 मिनट का अंतर पड़ेगा 28 किलोमीटर पर। इस तरह से, लेकिन जनरली आप ये देखते हैं कि प्रति 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर होता है, और इसी से हम लोग जनरल कैलकुलेशन करते हैं 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर। अब हम लोग देखते हैं कि यदि यह 0 मेरिडियन है, 0 देशांतर रेखा जो कि लंदन से खींची गई है, क्यों लंदन से ही खींची गई है इसको भी समझ लेने की ज़रूरत है। यह पहले भारतवर्ष में उज्जैन से खींची जाती थी, बाद में यह यूरोप के फेरो मेरिडियन से खींची जाती थी, और फिर बाद में यह लंदन के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से खींची जाती है। इसको अभी GMT पढ़ते समय हम लोग और डिटेल से देखेंगे, लेकिन यह 0 मेरिडियन मान लीजिए कि दोपहर इस पर है, दोपहर माने सूर्य की किरण इस पर लंबवत है और इस पर 12 बजे है, तो आप बताइए 0 से 15 डिग्री पश्चिम जाने पर क्या बजा होगा। क्यों, ध्यान रखिएगा पृथ्वी ऐसे घूम रही है, इसका मतलब है 12 बजे के इधर अभी पीछे टाइम होगा, हम 15 डिग्री पहले की बात कर रहे हैं, तो 12 बजा है 0 मेरिडियन पर, तो 15 डिग्री पश्चिम जाने पर 1 घंटे टाइम पीछे होगा, वहाँ होगा 11 AM। अब बताइए अगर पूछ लिया जाए कि जब 0 मेरिडियन या GMT का टाइम पर दोपहर है तो 30 डिग्री पश्चिम देशांतर पर क्या टाइम होगा, 2 घंटे पीछे होगा, 12 में से 2 घंटे माइनस कर दिए 10 हो जाएगा। इस तरह से हर 15 डिग्री पर 1 घंटे टाइम आप पीछे करते चले जाएंगे, इस तरह से पीछे होते होते आप जब 180 पर पहुंचेंगे तो पूरा 12 घंटे का टाइम पीछे हो जाएगा, और इसको कहा जाता है AM एंटी मेरिडियम। लेकिन आप जरा दाहिने हाथ चल के देखिए या पूरब की साइड में, यदि सूर्य 0 डिग्री पर लंबवत है और यहाँ पर दोपहर 12 है, तो आप बताइए कि 15 डिग्री ईस्ट पर क्या होगा, अर्थात पृथ्वी ऐसे घूम रही है, अर्थात इस समय जो 15 डिग्री ईस्ट है 1 घंटा पहले उस पर दोपहर था,
अब दोपहर हुए एक घंटा बीत गया तो उस पर होगा 1 PM। और आप बताइए कि यदि GMT पर 0 है, GMT पर सूर्य लंबवत है, वहां पर दोपहर है, तो 30 डिग्री ईस्ट पर क्या होगा? 30 डिग्री ईस्ट पर 2 घंटे आगे होगा। 2 घंटे आगे का मतलब क्या हुआ कि वहां पर 2 PM। इस तरह से हर 15 डिग्री पर आगे जाएंगे तो आपका एक एक घंटे टाइम बढ़ता जाएगा। इसको कहा जाता है पोस्ट मेरिडियम PM, अर्थात नून टाइम, दोपहर टाइम से पीछे को AM, और उससे जो टाइम बीत चुका है आगे को क्या कहा जाता है PM, पोस्ट मेरिडियम। इस तरह से टाइम का कैलकुलेशन पृथ्वी पर किया जाता है। अब हम इसमें एक चीज़ ये देखते हैं कि अगर 15-15 डिग्री के इंटरवल पर AM और PM की हम गणना करते हैं तो कुल 24 टाइम जोन्स होते हैं। इन्हीं को UT कहा जाता है, यूनिवर्सल टाइम, UTC। कितने यूनिवर्सल टाइम्स होंगे? 24। कितने कितने घंटे का होगा? एक एक घंटे का। और कितने कितने डिग्री पर होगा? 15-15 डिग्री पर। इस तरह से पूरे ग्लोब को टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया है। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि इस टाइम जोन को हमारे देश कैसे फॉलो करते हैं, और उसमें कुछ टाइम लोकल होते हैं और कुछ टाइम स्टैंडर्ड होते हैं, किसके अनुसार हम दैनिक क्रिया प्रतिपादित करते हैं और किसके अनुसार हम उस देश के कार्यालय का संचालन करते हैं। इसको देखने के लिए हमको देखना होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का उदाहरण ले करके इसको सीखना होगा। और जनरली जो 24 यूनिवर्सल टाइम्स हैं या वर्ल्ड में इतने टाइम जोन हैं, उन्हीं को स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है? किसी भी देश का देशांतर जितना है, अर्थात उस देश के देशांतरी विस्तार को ध्यान में रख के उसका मिड मेरिडियन, मध्य देशांतर कैलकुलेट कर लिया जाता है। जैसे ये इंडिया है, अब इस भारत में देख रहे हैं तो आपका पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये पूर्वी है, ये पश्चिमी होना चाहिए। यहाँ इंडिया को देखने से तो ये पश्चिमी मालूम हो रहा है, लेकिन पूरे ग्लोब पर अगर ध्यान दें तो ये पूर्वी है। क्यों? क्योंकि 0 मेरिडियन इधर कहीं ब्रिटेन से जाती है, तो ये पूर्वी देशांतर है। इसका जो पूर्वी विस्तार है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और यदि दोनों को आप प्लस कर दें, जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर कितना जाता है? 82.5 डिग्री आंसर आ जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यही होती है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, IST, भारतीय मानक समय रेखा। इसी के आधार पर हम लोग इंडिया में टाइम को डिसाइड करते हैं। अब ये 82.5 देशांतर को कब से माना जाने लगा? ये 1 जनवरी 1906, 1 जनवरी 1906 से इसको माना जाने लगा। उसके पहले किसको माना जाता था? यह यहीं पर चेन्नई, मद्रास शहर, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कोलकाता से यहाँ आ गए थे और इन्होंने इस चेन्नई को स्टैंडर्ड टाइम मान लिया था। और चेन्नई से जाने वाली लाइन इलाहाबाद के शंकरगढ़ और नैनी से होकर जाती थी, लेकिन आज इस कैलकुलेशन के बाद यदि आप मानचित्र में अपने देखें तो यह 82.5 पूर्वी देशांतर इलाहाबाद जनपद को स्पर्श भी नहीं करती है। यह इलाहाबाद जनपद के पूरब से जाती है, मिर्जापुर से, और मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम के पास में, और वहाँ पर अमरावती चौराहा है, और भारतीय मानक समय का एक बोर्ड वहाँ पर लगाया भी गया है अमरावती चौराहे पर। इस तरह से IST का बोर्ड लगा हुआ है, यह है अमरावती चौराहा।
इसलिए आप कभी भी भूल से अब मत कहिएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन ये इलाहाबाद से होके जाती है, इलाहाबाद से बिल्कुल नहीं जाती है। हाँ, पहले इसको माना जाता था, अब ये मिर्जापुर से होके जा रही है। इससे समस्याएं वहाँ हो रही हैं जिसका अभी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। क्या जरूरी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन निकालने की? हम लोग लोकल टाइम से क्या काम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में क्या अंतर है और इसकी ज़रूरत क्या है। जैसे पृथ्वी पर सूर्य कहीं पर दोपहर किया हुआ है तो कहीं पर आधी रात भी है, तो घूर्णन के अनुसार किसी प्लेस पर सनराइज सूर्योदय भी है तो किसी प्लेस पर सूर्यास्त भी है। तो आप ये बताइए कि आदमी किस टाइम के अनुसार उठेगा, जो घड़ी में स्टैंडर्ड टाइम है कि लोकल टाइम। मान लीजिए हम लोग इंसान हैं, घड़ी लगा दिए सुबह, अलार्म बज गया, उठ गए, लेकिन चिड़िया जानवर प्रकृति किसके अनुरूप उठेगी? सूर्योदय के अनुसार। इसलिए कहीं पर दोपहर है तो कहीं पर सूर्योदय हो रहा है। जैसे सूरज की किरण यहाँ पहली पड़ी वैसे ही यहाँ पर चिड़िया जीव जंतु सब चहल पहल मचा देंगे, और आदमी भी जो सही सिविलियन है वो सिविल ट्विलाइट में ही उठ जाता है और सूरज के दिखने पर तो उठ ही जाएगा, और इस तरह से उसका लोकल टाइम एक निश्चित हो जाएगा। और इस तरह से जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी सूर्योदय का समय धीरे धीरे पश्चिम हटता जाएगा और हर 15 डिग्री पर एक एक घंटे का अंतर पड़ता जाएगा। इस तरह से लोकल टाइम हर 28 किलोमीटर पर चेंज होता जाएगा। इस तरह से लोकल टाइम के अनुसार लोग उठते जाएंगे। अब आइए हम देखते हैं लोकल टाइम की परिभाषा, आप समझ गए होंगे। लोकल टाइम वह टाइम होता है जो सूर्योदय का समय या सूर्यास्त का समय या दोपहर का समय या आधी रात का समय, जिसको अनुसार इस पृथ्वी के जीव जंतु अपनी दैनिक क्रिया या दिनचर्या का प्रतिपादन करते हैं। अब लोकल टाइम में कुछ समस्याएं भी हो रही हैं। जैसे यदि आप इंडिया का मैप देख रहे हैं तो इंडिया का मैप में यदि आप देख रहे हैं इंडिया है, सूर्य इस साइड में है, तो इस इंडिया में पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उदय होगा और उसके बाद फिर उदय धीरे धीरे पश्चिम की तरफ होता जाएगा। इसका मतलब लोकल टाइम पहले अरुणाचल में होगा, सूरज पहले अरुणाचल यहाँ दिखेगा, उसके बाद फिर सुबह यहाँ होगा, फिर सुबह यहाँ होगा, फिर सुबह यहाँ, फिर सुबह यहाँ। इसका मतलब जब यहाँ सुबह हो गया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, तो आप बताइए यहाँ पर क्या उस समय सुबह होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके इसके बीच में यदि इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो 29 डिग्री और कुछ मिनट का डिफरेंस है। 29 डिग्री को आप राउंड फिगर 30 डिग्री ले लीजिए और 15 डिग्री में एक घंटे का अंतर होता है, तो 30 डिग्री में दो घंटे का अंतर है। अर्थात यहाँ पर जब सूरज दिख रहा है इन लोगों को तो अभी दो घंटे बाद यहाँ के लोगों को सूरज दिखेगा। अर्थात ये लोग जब उठ गए बिस्तर से तो ये लोग अभी अपनी एक नींद पूरी दो घंटे की रात इनकी है, उठेंगे। इसका मतलब यहाँ का लोकल टाइम दो घंटे एडवांस होगा और गुजरात का लोकल टाइम दो घंटे पीछे होगा। तो लोकल टाइम के अनुसार तो प्रकृति के नियमों के अनुसार हम लोग अपनी दिनचर्या करते हैं, लेकिन क्या उसी के अनुसार हम लोग अपना जो सरकारी कार्यालय हैं, इंडिया गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, उनको भी चलाएं क्या? आइए देख लेते हैं, चलाते हैं, देख लेते हैं। गुवाहाटी में, गुवाहाटी में सूरज पहले उदय हो जाएगा। सूरज उदय हो गया, लोग तैयार हो गए और तैयार होकर के वो ऑफिस में चले गए और ऑफिस में जा करके
इन गुजरात के अहमदाबाद के लोगों से फोन से बात कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, तो क्या ये ऑफिस में बैठे रहेंगे कि नहीं? नहीं बैठे रहेंगे, ये तो अभी सो रहे हैं, सो के थोड़ी देर में उठेंगे तब जाएंगे। इस तरह से इनका ऑफिस पहले से काम करना शुरू कर जाएगा, इनका ऑफिस पीछे काम करेगा, तो दोनों में समन्वय हो नहीं पाएगा। अब बिना समन्वय के, बिना टाइम के इंटीग्रेशन के, नेशनल इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा, इसलिए एक प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया। उसने कहा भाई लोकल टाइम के अनुसार चाहे जो उठे चाहे जैसा करो, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ही देश का काम चलेगा। स्टैंडर्ड टाइम कैसे बनाया ये अभी आपने देख लिया कि 1 जनवरी 1906 को 82.5 पूर्वी देशांतर पर जो टाइम हुआ उसी को स्टैंडर्ड कह दिया गया। अब इंडिया ने बनाया तो दुनिया के हर देश बनाए, दुनिया के हर देश बनाए कैसे बनाए, जो 24 यूनिवर्सल टाइम्स हैं, जो 24 समय पेटियां हैं, समय कटिबंध हैं, उसके अनुसार बनाया। लेकिन हर देश यह ध्यान रखता है, कुछ देश ऐसे हैं बहुत छोटे छोटे हैं और उन देशों में 15 डिग्री देशांतर का विस्तार ही नहीं है या 30 डिग्री का विस्तार ही नहीं है, तो वो देश क्या करते हैं कि 15 डिग्री को न मानक मान करके उसका आधा 7.5 डिग्री मान लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि ग्लोब पर विश्व के देश टाइम निर्धारण के समय ये ध्यान रखते हैं कि वह देशांतर निश्चित करें जो 7.5 से डिविजिबल हो जाए, 7.5 से कट जाए, अर्थात आधे आधे घंटे के टाइम इंटरवल पर विश्व को बांट दिया गया है और जिस देश को जो देशांतर शूट कर रही है उसी के अनुसार वो अपना टाइम निर्धारित कर लेता है, जिसमें भारतवर्ष 82.5 पूर्वी देशांतर से अपना समय निश्चित करता है और 82.5 को 7.5 से अगर काट दीजिए तो ये संख्या कट भी जाती है। इस तरह से भारत का मानक समय ये है और लोकल टाइम भी भारत का आपने देख लिया अलग अलग है और इसी समय के अनुसार भारतवर्ष में घड़ियां निश्चित कर ली जाती हैं, सेट कर ली जाती हैं, अर्थात जब यहाँ पर सूरज की पहली किरण पड़ेगी उस समय यदि यहाँ के लोग 6 बजा लिए तो अरुणाचल के लोग, गुजरात के लोग भी उसी समय 6 बजा लेंगे अपनी घड़ी में। हाँ, अब पूरी घड़ियों में 6 बज गया जो कि स्टैंडर्ड टाइम हो गया और ये 6 बजे यहाँ पर, इसका मतलब जब यहाँ 6 बज रहा है तो यहाँ बताइए सूर्योदय हो चुका है कि नहीं। जब बताइए यहाँ सूर्योदय हुआ और 6 बजा और पूरे इंडिया के लोग अपनी घड़ियों में 6 बजा लिए तो बताइए यहाँ भी सूर्योदय हुआ कि नहीं? हो गया है। क्या पहले हो गया है कि तुरंत हो रहा है? नहीं, पहले हो गया है। कितना पहले? 1 घंटा पहले, लगभग 15 डिग्री पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर लोकल टाइम इससे 1 घंटा आगे है। लेकिन आप बताइए जब यहाँ सूरज उदय हुआ 6 बजा तो यहाँ पर क्या सूरज उदय हुआ है कि नहीं? अभी नहीं, अभी 1 घंटा बाद यहाँ पर सूरज उदय होगा। इसका मतलब भी रात है, लेकिन 6 बज गया इनकी घड़ी में। ये भारत सरकार के हैं और भारत की नागरिकता है, इनको इस टाइम को घड़ी में सेट करना इनकी मजबूरी है। इसका मतलब कि यहाँ पर सूरज पहले उग जाता है फिर बाद में यहाँ 6 बजे सूरज उग गया और यहाँ पर सूरज 5 बजे ही उदय हो गया और यहाँ पर सूरज 7 बजे उदय होगा। इस तरह से ये टाइम का एडजस्टमेंट किया जाता है और इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जब पूरे भारत की घड़ियों में, ध्यान से सुनिएगा, पूरे भारत की घड़ियों में भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के समय के अनुसार सुबह का 6 बजा है, तो उस समय
90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री ईस्ट पर। एक जगह असम में है धुबरी, यह 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर धुबरी स्थान के लोगों की घड़ियों में क्या टाइम होगा, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसका उत्तर आपको क्लियर हो गया होगा। आसान तो है, 82.5 में से 90 निकाल लीजिए, 7.5 हो गया। और यहाँ पर अगर 6 बजा है, इसका मतलब यहाँ पर आधा घंटा आगे होगा। अगर यहाँ 6 बजा है तो यहाँ 6:30 बजे होगा, यही तो ना। ऐसे कैलकुलेशन करेंगे आप। प्रश्न एक बार ना हो फिर से सुन लीजिए। जब पूरे भारत के सभी लोगों की सभी गणियों में भारतीय मानक समय 82.5 के अनुसार 6 बजा है, देखिए सभी घड़ियों में 6 बज गए हैं, लेकिन आपको गुमराह कैसे किया जा रहा है। तब 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर असम के धुबरी जिले के लोगों की घड़ी में क्या बजा होगा? जब एक बार उन्हीं घड़ी में 6 बज गया स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, तो आपको 90 पूरब का के कैलकुलेशन करा के गुमराह ही तो कर रहा है ना। ऐसे भी प्रश्न कभी कोई पूछे जाते हैं, और इसलिए आप लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में बहुत ही क्लियर रखिएगा। और लोकल टाइम आपका दिनचर्या के लिए होता है प्राकृतिक, और स्टैंडर्ड टाइम सरकारी होता है जिससे कारोबार होता है देश का। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब स्टैंडर्ड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार भारत के लोग सुबह ऑफिस में गए और शाम को ऑफिस बंद हो गया, घर चले आए, तो बॉम्बे के ऑफिस बंद होने के बाद इन लोगों को ज़्यादा देर तक सैर सपाटा जुहू चौपाटी घूमने का टाइम मिलता है, जबकि पूरब के लोगों को, कोलकाता के लोगों को नहीं। क्यों? इसको पूछा गया था, 25 शब्द में इसकी व्याख्या करी। ज़्यादा लंबा निबंध इस पर आप नहीं लिख सकते हैं, तो उत्तर इसका आप क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्योदय भी बाद में होगा और यहाँ पर सूर्यास्त भी बाद में होगा, और अगर सूर्यास्त बाद में होगा तो सूर्यास्त के बाद यहाँ पर लोगों को ज़्यादा टाइम मिलेगा, और इन भागों में सूर्योदय पहले होगा, सूर्यास्त भी पहले होगा। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सूर्यास्त यहाँ अगर पहले हो जाएगा तो कोलकाता या गुवाहाटी के लोग जैसे ही ऑफिस बंद हुआ, उधर सूर्यास्त भी हो गया, टाइम कम मिलेगा। इनको शाम को ज़्यादा ऑफिस बंद होने के बाद टाइम मिलेगा, और इनको ऑफिस खुलने के पहले। क्यों? क्योंकि ये लोग यहाँ के लोकल टाइम के अनुसार उठ गए हैं। इस तरह से लोकल और स्टैंडर्ड टाइम में आप अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा। हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में सीख रहे थे, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को किसके रेफरेंस में कैलकुलेट किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये आपका ग्लोब पर जीरो मेरिडियन इस समय लंदन के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से खींची गई है, ये बात आज की है, लेकिन इसी को आज वर्ल्ड के लोग स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, जिसको ग्रीनविच मेन टाइम कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम नहीं। तो इस ग्रीनविच मेन टाइम के अनुसार पूरी दुनिया के लोग अपना टाइम सेट कर लेते हैं। कैसे? आपने सीख लिया है, हर 15 डिग्री पर एक घंटे का अंतर या उसके फ्रैक्शन में। तो ये हम पहले देखते हैं कि क्या ग्रीनविच मेन टाइम आज का है या और पहले का है। पहले जब इस पृथ्वी पर भारतीय संस्कृति का बोलबाला था, तो उस समय समय का निर्धारण भारत से किया जाता था। और भारत में कहाँ पर? भारत में यहीं पर एक जगह है उज्जैन, और उज्जैन से एक लाइन पास होती थी उस श्रीलंका साउथ में, और उत्तर में सुमेरु पर्वत। यदि इस ग्लोब पर देखें तो ये है उज्जैन, और श्रीलंका से होती हुई
कुमेरु पर्वत, कुमेरु पर्वत की कल्पना हमारे चिंतकों और मनीषियों ने साउथ पोल माने अंटार्कटिका पर की थी, इसीलिए कुमेरु बसंत की भी चर्चा हम लोग किए थे। लेकिन सुमेरु पर्वत की कल्पना हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने नॉर्थ पोल पर की थी। तो नॉर्थ पोल पर आज भी एक लोमोनोसोव रिज घटक है। आइए हम लोग वर्ल्ड में देखते हैं कि जो वर्ल्ड का मीन टाइम होता है और जिसके अनुसार विश्व के लोग अपना समय निर्धारित करते हैं, वह रेखा ही चेंज होती गई है। पहले जब भारत का पूरे विश्व में बोलबाला था, यह शिक्षा का एक अगुआ था, उस समय यहाँ पर उज्जैन एक जगह है, आज मध्य प्रदेश में है, जो कि सीट ऑफ लर्निंग थी, अध्ययन का केंद्र था, वहाँ पर गुरुकुल थे। वहाँ से और श्रीलंका होते हुए और फिर उत्तर में एक सुमेरु पर्वत की कल्पना हमारे विद्वानों ने किया था, और आज सुमेरु पर्वत के नाम पर एक वहाँ पर लोमोनोसोव रिज है, जो कि नॉर्थ पोल पर है और आर्कटिक सी में है। इस तरह से पहले यहाँ से समय की गणना दुनिया के लोग करते थे। बाद में यूरोप के लोगों का बोलबाला हुआ दुनिया में, उनका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला, वैसे जर्मनी के लोग हमारे ही साहित्य, हमारे ही नॉलेज, हमारे ही गणित और उसके एस्ट्रोनॉमी या खगोल की को लेके गए थे, और इन लोगों ने मिल करके यहाँ पर एक फेरो मेरिडियन है, यहाँ पर एक फेरो द्वीप है, जो कि ब्रिटेन के थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में है, इसकी स्थिति 6 डिग्री पश्चिम से और 8 डिग्री पश्चिम के बीच है। तो यूरोप के लोगों ने मिल करके इस फेरो द्वीप से होती हुई एक लाइन खींचा, जिसको फेरो मेरिडियन कहा गया, और फेरो मेरिडियन से दुनिया के लोग अपने समय का निर्धारण करने लगे। यहाँ पर जो टाइम होता था उसको दुनिया का मीन टाइम मान लिया गया। बाद में जब केवल ब्रिटेन का बोलबाला दुनिया में हो गया, और ये हुआ कि ब्रिटेन के साम्राज्य में सूरज कभी अस्त ही नहीं होता, तब ब्रिटेन में उसकी राजधानी लंदन के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से जो लाइन जाती थी, उसको मान लिया गया कि उसी से समय की गणना की जाएगी, और उसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा गया, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के आधार पर, और आज इसी के आधार पर विश्व के लोग समय की गणना करते हैं, इसी के आधार पर भारत भी समय की गणना करता है। अब आप बताइए 0 से और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितना दूर है, और जितना दूर होगा उतना ही इसका टाइम आगे होगा, एडवांस होगा। इधर के देश का पूछा जाता है तो इसकी तुलना में इसका टाइम अभी पीछे होगा, यानी पृथ्वी के पार्ट घूमकर जब आगे आएगा तो वहाँ पर होगा। इस तरह से आइए हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं GMT के टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हम लोग आइए कैलकुलेट करते हैं GMT और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। आपसे क्वेश्चन है कुछ, बताइए जब सूरज GMT पर दोपहर बजा रहा है, माने 12 बजा है, तो आप ये बताइए कि इस समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में क्या होगा। और पहले तो कैलकुलेट करिए कि यदि 0 पर कुछ टाइम है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82.5 पर है उस पे क्या होगा। तो आपको करना होगा कि 15 डिग्री जोड़ते जाना होगा, तो 15 बचे 75, 5 घंटा पूरा, और फिर 7.5 माने 30 मिनट। इसका मतलब हुआ 5 घंटे और 30 मिनट उसका टाइम आगे होगा, पीछे नहीं होगा। क्यों? तो अभी आपने सीखा था कि यदि GMT पर दोपहर का 12 है तो इसके पीछे पहले AM और बाद में PM। इसलिए आइए GMT और इंडियन ईस्टर्न टाइम के टाइम कैलकुलेशन पर कुछ चर्चा करते हैं। बताइए यदि GMT पर दोपहर का 12 बजा है तो IST पर क्या टाइम होगा। 12 में 5.5 जोड़ दीजिए, 5.5 क्या AM की PM, PM। फिर पूछा जाता है यदि GMT पर
शाम का 6 बजा है, शाम का 6, तो IST का टाइम क्या होगा? 6 में 5.30 जोड़ दीजिए, 11.30। यदि GMT पर रात का 12 बजा है तो IST पर क्या होगा? 5:30 AM, AM हो गया, ध्यान रखिएगा। यदि GMT के लोग सुबह 6 बजे की चाय पी रहे हैं तो अब बताइए इंडिया के लोग, इंडिया के पूरे लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार क्या कर रहे होंगे, अर्थात 5.30 घंटे का अंतर हुआ तो इंडिया में उस समय 11.30 बजा होगा, 6 और 5:30, 11, 11.30। इसका मतलब 11.30 का वो लोग लंच की तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से कभी आपसे GMT दे दिया जाएगा तो पूछा जाएगा, और कभी IST दे करके GMT का भी टाइम पूछ सकते हैं। और एक बार तो विचित्र सा क्वेश्चन UPSC ने पूछ लिया था, वो पूछा था कि यदि GMT पर दोपहर का 12 बजा है और पृथ्वी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉक नहीं, एंटी क्लॉक तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, पृथ्वी क्लॉकवाइज घूम रही है तो बताइए IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा। इसमें क्या करना होगा कि आपको ये जोड़ना नहीं पड़ेगा, अब घटाना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी अब क्लॉकवाइज घूमने लगी, और जो आपका ये IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसका मतलब 12 से आप 5:30 बैक कर देंगे तो 6:30 हो जाएगा, इसका मतलब वहाँ पर 6:30 बजा है। इस तरह से आप GMT और IST के बीच में संबंधों को समझकर और कैलकुलेशन की और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कभी कभी तो क्वेश्चन इससे इतर पूछे जाते हैं, जैसे जब GMT में या जो टाइम है उसको UTC भी कहा जाता है, अखबारों में छपता है, मैं उसको GMT के टाइम को UTC कहा जाता है, और पूछा जाता है कि जब GMT का टाइम 2 बजा हुआ है, 2 PM, तो आप बताइए कि 70 डिग्री पश्चिम देशांतर पर क्या टाइम होगा। 70 डिग्री के लिए क्या करना होगा, 0 से 70 हर 15 डिग्री पर 1 घंटा माइनस करके 15 चौका 60, फिर 10 को भी कैलकुलेट करके माइनस करके तब निकालना होगा। इस तरह से आप GMT और IST की विशेष प्रैक्टिस कर डालें, क्योंकि विश्व में कोई भी घटना होती है तो ये दोनों टाइम लिखे जाते हैं, UTC टाइम के अनुसार इतना बजे घटना हुई और IST के अनुसार इतने बजे हुई, और हर देश अपने अपने टाइम के अनुसार उसको निश्चित कर लेते हैं, क्योंकि हर देश का टाइम अलग अलग होता है। एक और क्वेश्चन आपसे उठता है कभी कभी कि GMT और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच 5.5 घंटे का अंतर नहीं होता है, वो 4.5 घंटे का अंतर होता है। इस 4.5 घंटे के अंतर को समर टाइम या उसको वार टाइम या उसको डे लाइट सेविंग टाइम कहा जाता है। उसका पर्पस क्या है, यह फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार के बीच में समय समायोजित किया जाता था। क्यों? क्योंकि GMT का टाइम तो दुनिया के लोग मान रहे हैं और भारत का टाइम तो भारत के लोग मान रहे हैं। उस समय फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था और अंग्रेज युद्ध में लगे हुए थे। युद्ध में लगने के कारण उनके जब योद्धा रात में काफ़ी देर तक दिन की थकावट कारण सो जाते थे तो सुबह देर से उठते थे, सुबह काफ़ी देर से, इसलिए वो लोग क्या किए थे, अपने स्टैंडर्ड टाइम को जो कि GMT था उसको 1 घंटे आगे बढ़ा लिए थे। जब उसको 1 घंटे आगे बढ़ा लेंगे तो उस टाइम में और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में केवल 4.5 घंटे का अंतर रह गया। याद की कॉमन चीज़ नहीं है, ये अनोखी चीज़ है जो कि अब पास्ट की चीज़ हो गई है, और इसको फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन एडजस्ट करता था, क्योंकि ब्रिटेन उस समय GMT को भी एडजस्ट करता था और ब्रिटेन इंडिया में भी था, और इसीलिए उसको वार टाइम कहा जाता था, डे लाइट सेविंग टाइम
दिवा प्रकाश बचत समय कहा जाता था, और इस तरह से वो टाइम 4.5 घंटे का होता था।